हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आरती अपने चैनल आरती स्ट्रगल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार, और जो जो मेरे चैनल पर नए हैं सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर। सुबह सुबह का टाइम है और ये रहा मेरा मॉर्निंग व्यू, कुछ इस प्रकार से। इसके बाद पूजा करने आ गए हैं और सारा काम वगैरह सब चीज़ ख़त्म हो गया है। अभी नाश्ता भी नहीं बनाया है, तो अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। दरअसल ये पीक मेरा 2 दिन पहले का है, लेकिन हम वीडियो में नहीं डाले थे तो फिर आज हम डाल दिए हैं। ऐसे ही शॉर्ट्स के लिए लिए थे बट वीडियो में भी डाल दिए। तो पूजा वगैरह हो गया, इसके बाद फिर आए नीचे नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता का तैयारी हुआ और फिर हम नाश्ता बनाए। तो आज कुछ ज़्यादा खास नहीं, नॉर्मल सा नाश्ता रहेगा। तो देख सकते हैं कि ऐसे आप लोग जान ही गए होंगे कि आज का नहीं है, लेकिन सच में आज का नहीं है, 2 दिन पहले का ही। जो हम पिक वीडियो में अपलोड नहीं किए थे तो आज कर दे रहे हैं। उस दिन भी पूजा हुआ था, आज भी पूजा हुआ है। इसके बाद हम कोई भी वीडियो शूट नहीं किए और आ गए हम डायरेक्ट 1:30 बजे शूट कर रहे हैं, यानी कि किचन में आए अभी। क्या हुआ था ना कि हम आज कुछ कहीं जाने वाले थे, इस वजह से हम नहीं किए शूट, लेकिन एन वक्त पे ना कैंसिल हो गया हम लोग का प्रोग्राम और फिर हम लोग आ गए। क्योंकि कल से बुआ का स्कूल चालू है और कल से ही मतलब फर्स्ट डे है स्कूल का, तो कुछ शायद अच्छा होगा, मतलब इस वजह से हम कैंसिल किए जाना, नहीं तो हम चल जाते। वही हम बता रहे थे कि हमको यहाँ जाना है, अब जाना ही नहीं तो उसके बारे में बता के क्या फ़ायदा। और यहाँ हम साग सुबह आया था तो उसको बॉयल कर दिए थे, हम सोचे फ्राई करेंगे लेकिन नहीं कर पाए, तो अभी फ्राई करते रहे हैं। और अभी हम सिर्फ सब्ज़ी बनाएंगे, ये चीज़ का सब्ज़ी जो कि मेरा बहुत फेवरेट है और इसको हम खाना बहुत पसंद करते हैं। हमको ये वाला पसंद होता है या बहुत मोटा वाला, तो ये दोनों में से एक ही अच्छा लगता है जो भी हो, लेकिन वही बता रहे थे कि मोटा वाला ही पसंद है या फिर पतला वाला, तो हमको ये ज़्यादा पसंद लगता है। तो आप लोग को भी अच्छा लगता होगा, ये जल्दी मिलता भी नहीं है, हमारे यहाँ पेड़ बहुत सारा है आसपास, इस वजह से मिल जाता है। तो हमको सच में ये वाला बहुत अच्छा लगता है, तो हम इसको ना मतलब अगले दिन बनाए थे, मतलब कल नहीं उससे पहले। तो उसमें क्या किए थे ना कि मतलब रस बना दिए थे, लेकिन आज हम सूखा सूखा बनाएंगे, बिल्कुल भी हम रस नहीं रखेंगे इसमें और एकदम सूखे टाइप में बनाएंगे। और साथ में दाल भी बनाएंगे, दाल हो जाएगा और ये सूखी सब्जी हो जाएगा और साग, साथ में चटनी बना देंगे तो हो जाएगा। वही सब हम बोल रहे थे। दरअसल बात ये था ना, आज हम रिकॉर्ड ही किए थे, वॉइस ओवर नेक बिल्कुल भी करने का मन नहीं था, लेकिन कुछ मतलब बात सब बोल बता दिए हम कहाँ जाने वाले थे वगैरह वगैरह, इस वजह से हम फिर वॉइस ऑफर की, नहीं तो उसी तरह करते। तो यहाँ पे हम ले लिए मसाला, मसाला में लिए प्याज, सरसों, जो हम हमेशा बताते हैं, लाल मिर्च हो या हरी मिर्च हो डाल सकते हैं, और हल्का जीरा और गोल मिर्च, ये सब डाल के उसको मिक्स करके मिक्सर में डाल दीजिए और फिर बना लीजिए। तो अभी हम यहाँ स्टैंड में लगा दिए कैमरा और फिर हम यहाँ पीसेंगे और करेंगे। तो जाने वाले तो थे बट प्रोग्राम कैंसिल हो गया, थोड़ा सा तो ख़राब लगा, बट मतलब नहीं जाना मेरे लिए फ़ायदे रहा। हम बोले जाना है चाहिए, नहीं तो फिर हम नहीं जाने वाले, क्योंकि कल से एक बाबू लोग का स्कूल रिस्टार्ट मतलब खुलने वाला है, और यदि हम चल जाएं तो ये तो बिल्कुल भी गलत बात हो जाएगा बच्चे को इस तरह से, मतलब एक तो स्कूल भी जाएगा और अभी गर्मी का मौसम में आता है और स्कूल में शायद ऐसा उसको सिस्टम होगा जो नहीं पता हमको, और 2-3 दिन ही क्लास करेगा। आज मंगलवार है तो कल बुध है, कल से यानी क्लास शुरू है, तो 3 या 4 डे करेगा, इसके बाद फिर होली छुट्टी मिल जाएगा, तो इसीलिए भी शायद नहीं हो पाएगा हमको जहाँ तक लगता है। तो होली के समय में देखा जाएगा यदि जाना रहेगा, लेकिन अभी हम लोग नहीं चल रहे हैं क्योंकि जाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो
डे या 4 डे के लिए स्कूल खुल रहा है उसमें भी यदि हम लोग परजेंट ना हो बच्चा, तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। और बच्चा उतना एक्टिव भी नहीं है, थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देना ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब देना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग छोड़ दिए जाना। और जैसे कि हम बताए थे कल का ब्लॉग में, सीटेट का फॉर्म फिल कर दिए हम, और काफ़ी अच्छा लगा हमको फॉर्म फिल करके। और मतलब अब हमको लग रहा है कि एक नहीं, मेरे ऊपर दो दो जिम्मेवारी आ गई है, मतलब पढ़ाई को लेके। ऐसे तो जिम्मेवारियाँ बहुत सारी है, बट पढ़ाई में को लेके हमको दो एग्ज़ाम अभी क्रैक करना है, उसका जिम्मेवारी और ज़्यादा आ गई है। जैसे कि पहले था ना, एक एग्ज़ाम हमको देना रहता था, अब क्या हो रहा है ना कि दो दो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना होगा और पूरा अच्छा से करना होगा, ताकि अगली बार जो जो गलती हुई थी उसको फिर से ना दोहराया जाए। और इस बार भी UGC नेट का यदि एग्ज़ाम होगा, फॉर्म फिल होगा, तो कर देंगे, लेकिन देखा जाएगा सेंटर इधर उधर ना दे तो अच्छी जगह में दे दे तो जाएंगे देने के लिए। इस बार तो सोचे हैं देंगे, क्योंकि इस तरह से बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, इधर उधर जा कर ही कुछ करना होगा। तो इस वजह से हम सोच लिए हैं ना कि इस बार UGC नेट हो या फिर CTET हो या फिर STET हो, और अभी JTET भी निकलने वाला है, कोई भी फॉर्म फिल हो तो हम फॉर्म फिल करेंगे। अलग बात हो जाए सेंटर कहीं देते और एग्ज़ाम देने ना गए, उसका बात कुछ अलग है, लेकिन अभी हम ये सोचे हैं कि हमको भरना है, हमको देना है ये सब एग्ज़ाम, तो हम देंगे। और उसके लिए हमको प्रिपरेशन करना होगा, तो प्रिपरेशन करने के लिए तो हम हैं ही, उसको टाइम देना होगा, बट टाइम नहीं है मेरे पास। जो भी टाइम है उसी, जो भी समय है उसी को हमको लेके चलना होगा, मैनेज करना होगा। और रही बात मतलब थोड़ा सा हार्ड वर्क का, तो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाता है। सुबह से उठ के बच्चे के पीछे लगना, अब तो और ज़्यादा हार्ड वर्क बढ़ जाएगा। जितना दिन छुट्टी था बाबू लोग का तो ठीक ही था, लेकिन अब तो और मतलब डबल से चार डबल होने वाला है। तो इस वजह से मतलब थोड़ा हार्ड वर्क भी ज़्यादा हो जाएगा, और स्कूल भी मतलब चालू हो गया है, और अपना भी पढ़ाई को दोनों को मेंटेन करना होगा, नहीं तो फिर इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। वही गलती वही सब कुछ हमको नहीं दोहराना है फिर से, जो एक बार हो चुका है वो सबको भूल के, वो सबको याद रख के, और जो होने वाला है वो सबको भूल के, और सारा समय स्टडी में दे के अपने आप को फिर से उभारना होगा, यानी कि एग्ज़ाम क्रैक करवाना होगा, नहीं तो BEd का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा मेरी लाइफ में। तो इस तरह से हो रही है, अभी प्रोसेस चल रही है। तो आप लोग में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स CTET का फॉर्म फिल किए होंगे, और एक नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स करते CTET का फॉर्म फिल। और ये एक मतलब इस तरह से सब्जेक्ट होता है, एक पेपर होता है, डिग्री होता है, जो भी बोल सकते हैं, जिस जो नहीं तो टीचर बनने का योग भी नहीं होता है। तो इसको भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और भरना ही नहीं, इसको क्रैक करना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो BA DLED BT वगैरह करके कोई फ़ायदा नहीं ही नहीं है। तो इसलिए हमारे लाइफ में जितना ज़रूरी BEd है उतना ज़रूरी CTET है मेरे हिसाब से, यदि टीचर बनना है तो। यदि हम ये राह पे चल चुके हैं, हमको ये राह में यदि हम पैर रख चुके हैं, तो अब हमको पीछे नहीं हटना है, चाहे जो भी हो जाए, जिस तरह से भी हो जाए, हमको तो करना ही करना है। तो आप लोग भी समझ सकते होंगे कि हम क्यों बोल रहे हैं इतना सब कुछ। स्ट्रेस भी ज़्यादा है और स्ट्रगल भी है, दोनों को साथ में मिला दें तो बहुत ज़्यादा संघर्ष भरा हुआ है लाइफ में, और टेंशन भी है। तो फिर भी सब चीज़ को मिला के एक साथ चलना होगा, और सारी चीज़ यानी कि जिम्मेवारी वगैरह सब चीज़ लेकर। और अभी छोना बाबू का भी तबीयत ठीक नहीं हुआ है, सभी चीज़ों को देखना पड़ता है, समय नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेवारियों से यूं ही नहीं मुखर सकते हैं। और आज का ब्लॉगिंग ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, अभी हम पढ़ने बैठे थे, तो बबू आके अपना होमवर्क चेक करवा रहा था, बल्कि हम स्टडी ब्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं किए हैं आज, हम दिन भर का भी ब्लॉग शूट नहीं किए हैं, बस खाना का किए हैं और कुछ नहीं, नाश्ता का भी नहीं किए थे। नाश्ता नॉर्मल सा हम लोग का मूढ़ी और प्याजी हो गया था, तो इस वजह से नहीं किए हैं। और अभी सब्जी बन रहा है और साग और चटनी बन जाएगा, तो फिर हम लोग का खाना भी हो जाएगा,
उधर सोना बाबू बनमासी कर रहा है, देख सकते होंगे लंगटू पंगटू होके। तो ये सब दोनों भाई का बनमासी कंटिन्यू चलता रहता है। अभी उसने उसको स्नान करेंगे, इस वजह से उसका कपड़ा खोल दिए हैं। तो ये सब भी एक जिम्मेवारी है जिससे हम हट नहीं सकते हैं। इसके बाद अभी सब्जी बन जाएगा, इसके बाद उसको स्नान करवा देंगे। बड़े वाला को स्नान सुबह ही करवा दिए थे, लेकिन छोटा वाला था बनमाश है, वो स्नान करने नहीं आया था। तो अभी हम उसको स्टेडी करवा रहे थे, तो इस और बोले इसको स्नान करवा देंगे। तो इसीलिए तो कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ भी गलत सही हुआ होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें मोटिवेट मिल सके कि कुछ कुछ गलत हो रहा है, उसे सुधारने की और ज़रूरत है। और यदि आप लोग कुछ भी यदि गलत सही हुआ होगा तो उसके लिए हम आगे भी माफ़ी मांग लेते हैं। और लाइफ स्ट्रगल से भरा हुआ है, इस लाइफ का प्रत्येक सीढ़ी में स्ट्रगल ही लिखा हुआ है, संघर्ष 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 हर वोमेन की लाइफ में है। शायद वोमेन क्या, हर लड़की के मोमेंट में बोल सकते हैं, हर लड़की जिस जिस रूप में परिवर्तन होती है वो रूप में संघर्ष लिखा हुआ है। तो उससे हम यूँ ही नहीं पीछा छुड़ा सकते हैं, उससे हम लोग को डट के लड़ना होगा, डट के आगे बढ़ना होगा। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर बताइएगा। यूँ ही पीछे नहीं हम लोग हट सकते हैं। और अभी मेरा सब्जी बन के रेडी हो गया, देख सकते हैं इस प्रकार सब कुछ सब्जी है। और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था, बट आलू कुछ ज़्यादा हो गया था। लेकिन आलू डालने का वजह ये था कि मेरे बच्चे लोग आलू ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये जो सब्जी है वो खाते भी नहीं है, सहजन की सब्जी सिर्फ आलू खाते हैं, और ये सच में अच्छी लग रही थी। तो आप लोग देख सकते होंगे कलर भी कितना अच्छा खिल के आया। बस इसी तरह करके इसको उतार देना है, बंद कर देना है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई विचारों के साथ, तब तक के लिए।